जैसे मैंने देखा उतरने के बाद एयरपोर्ट जैसे हमारे बस स्टैंड होते हैं उतना छोटा सा, उस टाइम पर केवल 5 या 6 टोटल बाहर के स्टूडेंट थे कनाडा से बाहर के। तो सेम थिंग है जैसे यहाँ पर है, अभी लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ओंटारियो के बाहर, ब्रिटिश कोलंबिया के बाहर भी कुछ और है। सबसे मतलब ज़्यादा स्नो पीआई में जो पड़ी है मेरे आने के बाद, एक बार तो लगातार 3 दिन थी। आई रिमेम्बर वी वर नॉट एबल टू ओपन द डोर, ओ बट अच्छा, समवन एल्स फ्रॉम आउटसाइड दे डिग अस आउट। रियली इतनी मतलब डोर के ऊपर तक हाँ, थी। ओवर 6 फीट। अगर आप घर छोड़ के अगर मैं 2 दिन के लिए बाहर भी चला जाऊं तो इट विल बी एज इट इज। हम लोग कर चुके हैं एक बार। आज मेरा दूसरा दिन है यहाँ पर, शार्लेट टाउन, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, एंड दिस इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा। एरिया मुझे बहुत बढ़िया लगा, आप मेरे पिछले 2 व्लॉग्स जाकर देख सकते हो। आई लव दिस प्रोविंस, मुझे नोवा स्कोशिया से ज़्यादा बढ़िया लगी ये वाली प्रोविंस। एनीवेज वेलकम बैक टू कनाडा व्लॉग, यू नए आए हैं, मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कैसे लाइक वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद दिस ब्यूटीफुल। हेलो वेलकम वेलकम। सो ही इज़ शिव, सो ही लिव्स हेयर इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, शार्लेट टाउन में ये रहते हैं यहाँ पर, और आज हम इनसे बात करेंगे एंड दिस ब्यूटीफुल हाउस बिलोंग्स टू हिम। बहुत लोगों की कन्फ्यूजन होती है कि प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, क्योंकि ये सबसे छोटी प्रोविंस है, तो यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही होती है कि यहाँ पर आकर सेटलमेंट अच्छे से होगी या नहीं। और आपके सामने आज एक एग्जाम्पल आया, यहाँ पर अच्छे से सेटल हुए बने हैं। तो शिव, पहले हम बात करते हैं, तो आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर रहते हुए? PI में मुझे हो चुके हैं 12 साल। मैं आया था 2011 में ठीक है टू डू माई मास्टर्स। यहाँ आने से पहले मैं दिल्ली में था 4-5 साल। एज सून एज आई लैंडेड आई फील लाइक आई केम इन द विलेज। हाँ, दिल्ली बहुत तो मतलब छोटा बहुत था, बिजी जगह है ना अगर। बहुत बिजी, बहुत हाँ लोग हैं। हाँ ओवरऑल कनाडा में इतने लोग नहीं हैं। बिल्कुल। फिर पढ़ाई पूरी हुई देन आई स्टार्टेड वर्किंग। थोड़ा सा शार्लेट टाउन के बारे में या फिर ओवरऑल प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के बारे में बताओ कि यहाँ पर लाइफस्टाइल मतलब अपने इंडियंस कितने हैं, और यहाँ पर अभी वो आना प्रेफर करते हैं या नहीं? जब मैं आया था 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में, उस टाइम पर केवल 5 या 6 टोटल बाहर के स्टूडेंट थे कनाडा से बाहर के। 5 या 6 स्टूडेंट्स, 5 या 6 केवल पूरी PI में, पूरे PEI में? अरे वाह, 12 साल हम पहले। 3 इंडियंस थे, एक पाकिस्तान से था, बांग्लादेश से थे एक दो। बट दिस टाइम इन 2023 मोर देन 400 इंटरनेशनल स्टूडेंट। मोर देन 400 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका कारण है कि एक तो PI सबसे छोटा प्रोविंस है कनाडा का, है ना। मेन लैंड पे नहीं है, यू हैव टू कम थ्रू अ ब्रिज, इट्स ओनली कनेक्टेड थ्रू अ ब्रिज। और PI की इकोनॉमी ही चलती है टूरिज्म पे। तो समर और फॉल में यू कैन सी द कलर्स हियर। टूरिस्ट ड्रिवन इकोनॉमी है। इंडियंस अभी 4-5 साल से आना शुरू हुए हैं। PI वर ऑफरिंग PNP, स्टिल ऑफरिंग। तो मुझे लगता है कि सेम यही चीज़ नोवा स्कोशिया के बारे में भी थी, क्योंकि जब मैं आया था कनाडा, मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए कनाडा आए हुए, लेकिन उस वक्त मैंने नोवा स्कोशिया का नाम भी नहीं सुना था। उसके 3 साल बाद तक भी मैंने नाम नहीं सुना था नोवा स्कोशिया का, जब तक यहाँ पर मूव होना था PR के लिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आने शुरू हुए ना नोवा स्कोशिया में, अभी तो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। तो सेम थिंग है जैसे यहाँ पर है, अभी लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि ओंटारियो के बाहर, ब्रिटिश कोलंबिया के बाहर भी कुछ और है, क्योंकि वो अभी प्रोविंसेस है जो वो अनअफोर्डेबल सी होने लग गई है। अनअफोर्डेबल है, इवन जो लोकल कैनेडियंस हैं टोरंटो के, वैंकूवर, दे आर मूविंग टू द अटलांटिक कनाडा, बिकॉज इट्स इजी टू बाय हाउस, आर नॉट एज एक्सपेंसिव एज द टोरंटो एरिया और द BC एरिया। जब मैं आया था, जैसे मैंने देखा उतरने के बाद एयरपोर्ट जैसे हमारे बस स्टैंड होते हैं उतना छोटा सा। मुझे लगा था बस पढ़ाई पूरी हो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन 4 साल में इतनी आदत पड़ गई है इस पीस की, है ना, कि अब अगर बड़े शहर में जाते हैं तो आई कैन सर्वाइव। आइलैंड इतना छोटा है, तो इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम दिस एंड टू अदर एंड 3 आवर, तो यहाँ पे वर्क प्लेस जाते हैं, मेरा काम 10 मिनट दूर, माई वाइफ जस्ट 5 मिनट ट्रैवलिंग, है ना।
टोरंटो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे ट्रैवल एटलीस्ट 3-4 आवर एवरी डे जस्ट टू गो एंड कम बैक फ्रॉम वर्क. तो अगर फैमिली नहीं है, ऊपर से एज, इफ़ यू आर लाइक इन दैट एज 20-30 यू लाइक टू गो, बिकॉज PIA में नाइट लाइफ उतनी नहीं है अदर देन सैटरडे फ्राइडे एंड सैटरडे वी हैव फ्यू गुड पब्स. Okay, so before going forward, let's talk about the sponsor of this video, Dozier Perfumes. So from last few months, I am using these Dozier Perfumes और अब तक के ये मेरे favorite perfumes बन चुके हैं. यही है जो आजकल मैं हमेशा use करके बाहर जाता हूँ, चाहे मुझे parties पर जाना हो, चाहे ऐसे ही बाहर घूमने के लिए जाना हो और चाहे मुझे अपने office जाना हो, but I always wear Dozier Perfumes. So Dozier offer different scents for different occasion, but my favorite is Powdery Coconut. That is also inspired by Tom Ford's Sole Blanc. The best part of these perfumes are Dozier offer high quality perfumes or wo bhi at affordable prices. Whether it is a casual day out or a special evening, Dozier perfumes are the perfect companion and you might even find a scent that becomes your signature. They have special deals going on for Black Friday and Dozier is doing sales up to 55% off this month. So what are you waiting for? Go ahead and check out the link in the description. Bahut zyada usne hoti hai. खुद भी हटा सकते हैं. अभी पिछले 4-5 साल से दिन स्नो नहीं है तो हम लोग खुद ही हटा रहे थे लास्ट ईयर. तो बट या यू हैव टू हायर समबडी. अगर मैं और मेरी वाइफ दोनों काम पे जाते हैं सुबह तो वी नीड क्लीन ड्राइववे बिफोर दैट. ओके, तो कितनी स्नो पड़ती है यहाँ पर? सबसे ज़्यादा स्नो PIA में जो पड़ी है मेरे आने के बाद, दैट वाज इन 2015. ओके, एक बार तो लगातार 3 दिन थी. आई रिमेंबर वी वर नॉट एबल टू ओपन द डोर. Oh, अच्छा. So someone else from outside did dig us out. Really? इतनी मतलब डोर के ऊपर तक थी? Over 6 feet. अब तो केवल मेरे ख्याल से 2 या 3 feet maximum all over the season. Okay. तो सबसे पहले हम आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ पर 12 साल हो गए हैं रहते हुए, तो यहाँ पे अगर किसी ने मूव होना हो अब अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को ग्रो करने के लिए, एज नॉट एज एन लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट या फिर जस्ट एज अ बैचलर, अगर फैमिली के साथ मूव होना हो तो कैसी जगह है, तो इसको वो प्रेफर कर सकते हैं अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए? बिल्कुल, इफ़ यू फाइंड अ जॉब हियर. ओके, ऐसे बताया जैसे आपने कि बहुत छोटी जगह है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ही कम हैं. ठीक है. फार्मा कंपनीज के लिए अच्छा है क्योंकि 4 बड़ी कंपनीज हैं आइलैंड में. तो फार्मा हब है. यहाँ तक कि जो कनाडा की पहली वैक्सीनेशन यूनिट बन रही है वो भी यहीं बन रही है. ओह अच्छा, ठीक है. क्योंकि कोविड के टाइम पे Canada was not able to make our own vaccine, right? So अब वो जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो लोग बना रहे हैं. बाकी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं. मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पे रियल्टर्स हैं जो दुबई से यहाँ मूव हुए हैं करीब 4 साल पहले. तो लोग घर बना रहे हैं, बेच रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं. तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. बहुत पीसफुल जगह है, क्राइम ना के बराबर है. ऑल ओवर कनाडा में ही कम है लेकिन PIA कनाडा का बेस्ट प्रोविंस, में बिल्कुल क्राइम नहीं. अगर आप घर छोड़ के अगर मैं 2 दिन के लिए बाहर भी चला जाऊँ तो इट विल बी एज इट इज. हम लोग कर चुके हैं एक बार. अच्छा, बिना लॉक लगाए आप गए थे? जो दूसरा घर है तो हम लोग गए थे, हैलिफैक्स से आए थे, रात भर रुके थे. मतलब एक दिन गए थे माउंटेन, गए थे सुबह तो वाटर पार्क वगैरह गए, शाम को हैलिफैक्स रुके जाके. और अभी तो ये डिजिटल लॉक है तो सही है, कहीं से भी लॉक कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम की वाला था तो हम लोग लॉक करके ही नहीं गए थे. 2 दिन बाद लौट के आए थे. भूल गए थे आप? भूल गए थे. ओ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. हाँ नहीं, सेफ्टी के अगर सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे खुद ये जगह सेफ लगी, क्योंकि हमें 2 दिन हो गए यहाँ पर, हमने अभी तक एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं देखी. पूरी प्रोविंस में पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूम लिए हैं लेकिन अभी तक हमने एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं देखी, जो कि बहुत स्ट्रेंज सी बात है हमें खुद लगी. नोवा स्कोशिया के लोग बहुत बढ़िया है लेकिन यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, बहुत फ्रेंडली. हाँ, उनसे भी ज़्यादा फ्रेंडली. अगर आप अगर किसी से एड्रेस पूछ लो तो घर तक छोड़ के जाएंगे. वाह, दे स्माइल. अगर आपने जैसिन को देखा ना, दे विल स्माइल यू बैक राइट अवे. क्या बात है. और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पर लोग बहुत प्यार से गाड़ियाँ चलाते हैं, ड्राइविंग बहुत प्यार से करते हैं. यहाँ पे स्टॉप साइन पर जब लोग रुकते हैं, हाँ, यूजली द रूल इज अब आप पहले आए तो पहले जाएंगे, लोग वेट करते हो कि तुम जाओ, तुम जाओ, तुम निकल जाओ, हम खड़े हैं, तुम जाओ. ठीक है ठीक है. तो अब ये तो बात हो गई, आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज का बता दिया, इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मूव हो जाओ यहाँ पर और फिर आप कहोगे कि चलो हम पहले हम घर बाय कर लेते हैं, यहाँ पर जाकर जॉब का भी कुछ हो जाएगा, मिल ही जाएगी जॉब. लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा करना चाहिए. लेकिन जो एक ट्रेंड बड़ा देखा है मैंने लास्ट ईयर में, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं है ना, तो वो कई सारे बड़े सिटीज से मूव होकर PIA आ रहे हैं. ओ अच्छा. तो साल्ट टाउन सबसे बड़ी सिटी है PIA की. जो बाकी 2-3 बड़े शहर हैं वो एक समरसाइड, स्ट्रैटफोर्ड एंड देन कॉर्नवॉल. तो अगर यहाँ पर घरों की बात की जाए
तो कितने एवरेज प्राइस मिल जाता है घर का? 3-bedroom हाउस अगर 10 साल से कम अगर उसकी एज है, बिटवीन 450,000 to 500,000 अगर बड़ी सिटी की बात की जाए, स्पेशली अगर ब्रैम्पटन मिसिसागा जैसे, तो वहाँ पर तो आपको 1-bedroom भी बड़ी मुश्किल से मिलेगा। हाँ, फैसिलिटीज़ तो सारी मिल जाती हैं यहाँ पर। मैंने खुद देखा, मैंने खुद नोटिस किया कि हर एक चीज़ है यहाँ पर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में। और बाकी कोई यहाँ पर रहने का कोई एडिशनल मतलब बेनिफिट्स भी देती है गवर्नमेंट, या फिर सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स तो कुछ नहीं है, थोड़ा नुकसान है क्योंकि टैक्स थोड़ा हाई कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस, 15% GST। तो बस फिर मुझे लगता है कि यही सारी बातें थी आज आपसे करनी, और आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया घर दिखाने के लिए आपका। और अगर कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट डाउन जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।